हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इस टेस्ट क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं हमने, ठीक है। सभी क्वेश्चन संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम रीजनिंग चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जिससे आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप उसका राइट आंसर आसानी से निकाल पाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनके जो मार्क्स होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि अगर रजनी का आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो जो विकल्प होगा वो एक्यूरेट आप करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, उसके मार्क्स आपको एग्जैक्टली मिलेंगे, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूजन का चांस नहीं रहता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा अगर आप कोशिश करेंगे तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इन सभी क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, जिसको लगाकर आप आसानी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है। लास्ट तक आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसका राइट आंसर 100% निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है, उस सीरीज को आपको गेस करना है कि उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी, ठीक है, इसी प्रकार का। बट सभी के सॉल्व करने का मेथड सेम ही होता है, क्वेश्चंस की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, यानी ये जो अंक हैं ये बदल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक्यूरेट यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, जैसे कि नर्सिंग के क्वेश्चनों में होता है कि सेम क्वेश्चन पढ़ाया और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, ऐसा नहीं होगा। वैल्यू बदल सकती है, मेथड सॉल्व करने का सबका एक ही रहता है, तरीका एक ही रहता है, ओके ओके। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखें कि किस टाइप से सीरीज बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, घट रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा घट रही है, इसी चार प्रकार से सीरीज आपको दी हुई होगी एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आज के क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, जैसे कि नर्सिंग एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ओके। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाएंगे, ठीक है। अगर 5 में 3 आप माइनस करेंगे तो प्लस 2 आएगा, यानी प्लस 2 अगर ऐड किया गया है 3 में तो 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक लॉजिकल वे पर लेकर आपको चलना है, उसी लॉजिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। आप 8 में 5 माइनस करेंगे तो प्लस 3 होगा, ठीक है, यानी 5 में प्लस 3 अगर आप जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 में अगर आप प्लस 4 ऐड करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी 12 में आपने 8 माइनस कर दिया। इसी प्रकार से 17 में आप 12 को माइनस करेंगे तो प्लस 5, ठीक है। तो आपको एक लॉजिक बनता हुआ दिखाई दिया होगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर प्लस 2 ऐड किया, प्लस 3 ऐड किया, प्लस 4 ऐड किया, प्लस 5 ऐड किया, अब आप क्या ऐड करेंगे, प्लस 6, सिंपल सा लॉजिक है। यानी 17 में आप 6 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब 23 को चेक करने के लिए आप प्लस 7 इसमें ऐड करके देख लें, 23 में अगर प्लस 7 ऐड करेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा, तो यानी 23 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहाँ है, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखते रहे फ्रेंड। अब हम जो लॉजिक ऊपर के क्वेश्चन में लगाया था वही सेम लगाएंगे, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले पद को माइनस करना है, ठीक है। 16 में आप 5 माइनस करेंगे तो प्लस 11 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 29 में आप 16 माइनस करेंगे तो प्लस 13 होगा, प्राप्त होगा आपको, ठीक है। 46 में 29 आप माइनस करेंगे तो प्लस 17 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 65 में आप 46 माइनस करेंगे तो प्लस 19 प्राप्त होगा। नेक्स्ट,
88 में आप 65 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 23। नेक्स्ट आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। अब इन जो जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। इनमें एक आपको एक ऐसी चीज एक क्लू दिखाई देगा कि ये कौन सी संख्या है। आप देख सकते हैं कि ये सभी अभाज्य संख्या हैं 11 से आगे वाली। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है। किसी भी संख्या का भाग जिस संख्या में नहीं जाता है वो एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 23 है। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है फ्रेंड्स वो होती है 29। ठीक है, 25 में 5 का भाग जाएगा, 26 में भी 13 का जाएगा, 27 में 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, 28 में 14 का जाएगा, 29 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 88 में आप 29 ऐड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो 88 में 29 आप ऐड करेंगे, इसमें 88 आप ऐड कर देंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 117। ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, 117 क्या किसी ऑप्शन में है? यस, आप कोर्स है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सिंपल जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बस वही क्वेश्चन होंगे, बस मेथड सेम ही सब में लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपको मिसिंग टर्म यानी लुप्त पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, यही आपका आंसर भी होगा। तो जो लॉजिक हमने ऊपर लगाया वही फिर से लगाएंगे। 46 में आप 30 माइनस करेंगे प्लस 16। ठीक है, यानी 30 में प्लस 16 ऐड कर दें तो 46 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 48 कैसे प्राप्त होगा? अगर 46 में जो भी संख्या माइनस करेंगे उससे 46 में उसे ऐड करें तो 78 प्राप्त होना चाहिए, यानी वो संख्या होगी 32। प्लस 32 अगर 46 में ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। इसी प्रकार से 48 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 190 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें आप 64 ऐड करेंगे, 126 में आप 64 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा। इसी प्रकार से 190 में आप 80 ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 276 में आप क्या ऐड करें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो जाए, यही आपको पता करना है। तो अब इस सीरीज को आपको ध्यान से देखना है। 16 है, उसके बाद 16 का दुगुना 32, फिर 16 का 3 गुना 48, यानी 16 का जो टेबल है उसी को ऐड किया जा रहा है। 16, 32, 48, 64, 80, अब 96 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 16 का टेबल। ठीक है, तो 270 में आप 96 ऐड कर दें तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 366। ठीक है, 366 आपको वैल्यू प्राप्त होगी, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 366 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें इस प्रकार से विकल्प दिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद कहां पर है? यहां पर है, यहां यानी क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, अब आपको ये सीरीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, पहले हमारा जो पर्पज है वो है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस टाइप से अगर सीरीज दी हुई हो तो आप ये देखें इन दोनों क्वेश्चनों में क्या लॉजिक लगाया जाए तो हमें ऊपर वाला जो पद है वो प्राप्त हो जाए, फिर इन दोनों में क्या लॉजिक लगाया जाए तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो जाए, इसी प्रकार से इन दोनों में क्या लॉजिक लगाया जाए तो ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, सिंपल ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, क्लियर? अगर पहले ज्यादा पद हैं ऊपर कम हो रहे हैं तो यही होगा, उनके बीच की ये वैल्यू होगी।
ठीक है, तो 20 + 24 को अगर आप ऐड करें, 20 + 24 को ऐड करें, इसको 2 से डिवाइड करें तो 22 प्राप्त होगा। 20 और 24 को ऐड करेंगे तो 44 होगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो 22 प्राप्त होगा। तो यही ये लिखा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, इनको दोनों को जोड़ के हाफ किया गया है। इसी प्रकार से 32 और 36 को जोड़ा गया है तो 68 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 24 और 32 को आप जोड़ें, ऐड करें तो 56 होगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो 28 होगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। ठीक है, 28 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करना है क्या यही लॉजिक सही है, तो यहां पर 28 रखो आप। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो 28 और 22 ऐड करेंगे तो 50 होगा, उसको 2 से डिवाइड करें तो 25 आना चाहिए। ठीक है, आ गया। इसी प्रकार से अगर और आपको एग्जैक्ट क्लियर करना है तो 28 34 को आप ऐड करें तो हो जाएगा 62। ठीक है, 28 और 34 को ऐड करेंगे 62 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 हो जाएगा। अब 25 और 31 को आप ऐड करेंगे तो 56 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मिसिंग टर्म इन गिवेन क्वेश्चन। आपको एक सीरीज दी है, नंबर सीरीज होगी, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, क्लियर। तो जिस प्रकार से हम लॉजिक ऊपर लगाते हुए आए हैं वही सेम लॉजिक लगाएंगे, यानी 13 में 10 माइनस करेंगे यानी +3, फिर 22 में 13 को माइनस करेंगे, 22 में अगर आप 13 को माइनस करेंगे तो +9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 49 में आप 22 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा +27। इन तीनों संख्याओं में आपको एक चीज दिख रही होगी, 3 है, उसका 3 गुना यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इंटू 3, 3 × 3, इसी प्रकार से 9 हो गया, फिर 9 × 3, 3 गुना किया जा रहा है। ठीक है, अब 27 × 3 करेंगे तो 27 × 3 यानी 81। ठीक है, 81 अगर आप 49 में ऐड कर दें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, 3 3 गुना आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 3 का 3 गुना 9, फिर 9 का 3 गुना 27, फिर 27 का 3 गुना 81। ठीक है, यही लॉजिक लगेगा। तो 49 में आप 81 ऐड करें, 49 में 81 ऐड करें तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0, 8 + 4 करेंगे 12 और एक रिमेन था तो 130 हो जाएगा। 130 किसी ऑप्शन में है, आप कोर्स से ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक अगर इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसका राइट आंसर निकालने में सक्षम हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर कर दें, और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।